हेलो एवरीवन, आज हम लॉन्ड्री प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे और जो लॉन्ड्री की जो डिफरेंट मेथड्स होती है उनके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से कपड़ों को धोया जाता है और उनकी फिनिशिंग किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, जो कपड़े होते हैं, जब हम कपड़ों को पहनते हैं या यूज़ करते हैं तो उसके बाद उनके ऊपर धूल, मिट्टी या फिर कई सारी अशुद्धियाँ आकर के चिपक जाती है। कई बार जब कपड़े पड़े रहते हैं तो उसकी वजह से भी उसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया या फफूंद लग जाती है। कई बार जो कुछ चिकनाहट वाले दाग होते हैं वे भी दाग धब्बे उन पर लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो कपड़े होते हैं वह गंदे हो जाते हैं। जब हम कपड़ों को पहनते हैं तो हमारी त्वचा के संपर्क में आने से भी उन पर पसीना होना के कारण भी वस्त्र गंदे हो जाते हैं या फिर धूल मिट्टी से भी गंदे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से गंदे कपड़े जो होते हैं उनसे बदबू आने लगती है और यदि गंदे कपड़ों को रख दिया जाए तो वे और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तथा उनके रेशे कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए हमें कपड़ों को समय समय पर धोना आवश्यक होता है। जब कपड़ों को वैसा देखा जाए तो कपड़ों की जो धुलाई होती है उसका मुख्य उद्देश्य कपड़ों को लंबे समय तक ताज़ा, जीवंत और आकर्षक बनाए रखना, उनको उपयोगी बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। और जब हम धुले हुए या साफ वस्त्र पहनते हैं तो हमें भी अच्छा फील होता है, साथ ही साथ व्यक्ति जो होता है चुस्त या फुर्त बना हुआ रहता है। जो कपड़े जब फिनिशिंग के बाद पहने जाते तो वो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे कि उनके ऊपर प्रेस कर दी जाए, उनकी जो सलवटें निकाल दी जाए और उनके ऊपर अच्छे से क्रीज जमा दी जाए तो वो पहनने दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। जो कपड़ों पर लगी हुई जो गंदगी होती है वह दो प्रकार की होती है, एक तो सतही गंदगी होती है, दूसरी जकड़ी हुई गंदगी होती है या फिक्स्ड डर्ट होती है। जो लूज डर्ट होती है उसको आसानी से दूर किया जा सकता है, जैसे कि अगर हम उसको ज़ोर से फटकारें, ब्रश से झाड़ें या पानी के अंदर सिर्फ उसको डिप करके निकाल देते हैं तो उससे रिंसिंग करने से ये साफ़ हो जाते हैं। लेकिन जो फिक्स्ड डर्ट होती है उसको दूर तो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए साबुन का, पानी का या अन्य शोधक पदार्थों जैसे कि डिटर्जेंट्स का या कुछ रिएजेंट्स का यूज़ करना पड़ता है। पहला हम बात करेंगे सतही गंदगी या लूज डर्ट के बारे में। इस प्रकार की गंदगी वस्त्रों के ऊपर धूल कण, मिट्टी, राख, बालू, रेशे आदि के सट जाने के कारण होती है, जिससे कि जो गंदगी होती है वो रेशों के भीतर नहीं पहुँच पाती है। तो अब इन कपड़ों को अच्छे से झटकार करके इनको साफ कर दिया जा सकता है। सेकेंड है फिक्स्ड डर्ट। जब जो धूल कण, मिट्टी, मैल, पसीना या चिकनाई के जो दाग होते हैं या ग्रीस के दाग होते हैं, जब इनके समय पर सब एक बार यदि कपड़े पर लग जाए और उसे टाइमली अगर साफ नहीं किया जाए तो यह धीरे धीरे चिकनाहट के कारण अपने ऊपर काफ़ी सारे जो गंदगी या अशुद्धियाँ होती हैं उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं और एक मोटी परत बना लेते हैं, जिसे संलग्न गंदगी या जकड़ी हुई गंदगी कहा जाता है। अब अगर इन कपड़ों को झटका जाए या पानी से रिंस किया जाए तो ये बाहर नहीं निकलती है, इसलिए इनको छुड़ाने के लिए साबुन या डिटर्जेंट्स का या फिर जो रिएजेंट्स होते हैं उनका यूज़ करना पड़ता है। कई बार कपड़े इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं कि कपड़ों को भट्टी पर चढ़ाना पड़ता है, अर्थात किसी भी बर्तन में पानी में सोडा डाल करके वस्त्र को डाला जाता है और उसे उबाला जाता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह जो प्रोसेस होता है सिर्फ सूती वस्त्रों के साथ ही किया जाए। जो रेशमी, रेयॉन या ऊनी वस्त्र होते हैं वो गर्म पानी और सोडे के प्रभाव से गल करके ख़राब हो जाते हैं, इसलिए उनको नहीं डाला जाता है। जो गंदगी वाले जो दाग होते हैं, जिन पर चिकनाई युक्त गंदगी लगी होती है, उनके लिए यह प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह प्रोसेस बार बार नहीं किया जाता, क्योंकि बार बार करने से जो कपड़ों की सुंदरता होती है, आकर्षण और जो रेशे होते हैं वे कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब आपके कपड़े बहुत गंदे हो जाएं उसके बाद ना धोएं, कपड़ों को समय समय पर धोते रहें, बहुत ज़्यादा गंदे होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इससे कपड़े अच्छे बने रहते हैं, कपड़ों का जो बनावट होती है वह भी अच्छी रहती है। धुलाई प्रक्रिया एक कला ही नहीं बल्कि एक साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर भी आधारित है। जब वस्त्रों की धुलाई की जाती है तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वस्त्र जो होता है वो ख़राब ना हो और उसकी जो उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहे। यदि हम वस्त्र को उचित विधि से धोते हैं तो वस्त्रों का जो जीवन काल होता है वह लंबा होता है और उनकी सर्विसेबिलिटी बढ़ जाती है। उनका रंग, आकार, आकृति भी ख़राब नहीं होते हैं। उनका मौलिक सौंदर्य और आकर्षण लंबे समय तक एक सा ही बना रहता है, और साथ ही साथ जो व्यक्ति ने यूज़ कर रहा है उसे भी सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि जब हम कपड़ा खरीदते तो हम भी उसके ऊपर मनी इन्वेस्ट करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि जो वो कपड़ा खरीदता है वह लंबे समय तक चले।
तो उसके लिए जो कपड़ों की जो देखभाल होती है वो भी करनी बहुत ही आवश्यक होती है। अब हम बात करेंगे धुलाई की विधियों या मेथड्स ऑफ वॉशिंग के बारे में। देखिए, जैसा कि हमने पहले बात करी कि ये साइंटिफिक फैक्ट्स पर आधारित होती है धुलाई कला, तो इसको कुछ प्रिंसिपल्स के आधार पर ही इन्हें धोना चाहिए। देखिए, वस्त्र को धोने के जो हमारे मुख्य उद्देश्य दो होते हैं, एक वस्त्र को धूल कणों, मिट्टी तथा चिकनाई युक्त गंदगी से दूर करना और धुले हुए वस्त्र को नवीन रूप प्रदान करना। इन दोनों ही प्रक्रियाओं के लिए धुलाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, हम जो धुलाई कला होती है उसको निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। पहला, हाथों द्वारा हल्का दबाव डाल के, मीन्स लाइट प्रेशर यूज़ करके हाथों के द्वारा कपड़ों को धोना। दूसरा, घर्षण के द्वारा धोना, अर्थात फ्रिक्शन के द्वारा कपड़ों को धोना। अगला है चूषण विधि द्वारा या सक्शन मेथड के थ्रू धोना। और नेक्स्ट है कपड़ों को मशीन की या वॉशिंग मशीन के द्वारा धोना। पहला है लाइट हैंड प्रेशर से कपड़ों को किस प्रकार से धोया जाता है। इस विधि से उन वस्त्रों की धुलाई करते हैं जिन रेशो जो होते हैं वो बहुत ही मतलब नाजुक होते हैं, या अगर इन्हें रगड़ दिया जाए तो जिससे कि वे ख़राब हो जाएंगे। हल्के, महीन, कोमल, मुलायम और सूक्ष्म रचना वाले जो वस्त्र होते हैं उनके लिए ये बेस्ट मेथड होती है। रंगीन ऊनी, रेशमी, कोमल सूती या बुने हुए वस्त्र, शॉल होते हैं, उनको इस विधि से ही धोया जाता है ताकि वे लंबे समय तक उनका जो सौंदर्य है वो बना रहे। इस प्रकार के कपड़ों को धोने के लिए पानी के अंदर नरम एवं मृदु साबुन या फिर जो डिटर्जेंट होता है उसका यूज़ किया जाता है फिर अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल करके पानी को अच्छी तरह से हिला करके झाग बनाएंगे और उस झाग के अंदर वस्त्र को डालकर हल्के हल्के हाथों से दबा करके कपड़ों को धोया जाता है और धीरे धीरे उनको साफ़ किया जाता है। इस प्रक्रिया में गूंथना, निचोड़ना अर्थात नीडिंग एंड स्क्वीजिंग का मेथड किया जाता है, जिससे कि कपड़ों के अंदर जो गंदगी होती है वो अपने आप ही बाहर निकल जाती है। ये सबसे ईजी मेथड होती है तथा इसमें किसी भी प्रकार के स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कम समय में और बहुत आसानी से कपड़े धुल जाते हैं। इस प्रकार से जब कपड़ा अच्छे से धुल जाता है, साफ़ हो जाता है, तो उसके बाद इसको स्वच्छ पानी के अंदर अच्छे से रिंस कर लेना चाहिए ताकि इसमें से जो साबुन या डिटर्जेंट है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए। उसके बाद कपड़ों को छायादार जगह पर सुखा देना चाहिए और कपड़ों को टाइमली वापस ले लेना चाहिए। अगला है घर्षण के द्वारा या फ्रिक्शन का लगा करके हम किस प्रकार से कपड़ों को धो सकते हैं। इस विधि के द्वारा उन कपड़ों को धोया जाता है जो कि घर्षण, रगड़ या किसावट को सहन करने की क्षमता रखते हो, अर्थात जो मोटे मजबूत कपड़े होते हैं उनको इस मेथड से धोया जाता है। जो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं कपड़े तो उनको धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म महीन एवं कोमल सूती वस्त्र होते हैं उनको इस विधि से नहीं धोया जाता है क्योंकि इससे उन रेशों को काफ़ी नुकसान पहुंच जाता है। इसलिए वैसे कपड़ों को बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ करके या पीट पीट करके नहीं धोना चाहिए, इससे कपड़ों की जो संरचना होती है वह ख़राब हो जाती है। जो घर्षण विधि में वापस बहुत सारी विधियां आती है जिनके द्वारा कपड़ों को साफ़ किया जाता है, जैसे पहला है हाथ से घर्षण। जो मजबूत, दृढ़ एवं छोटे वस्त्रों की धुलाई हाथ से रगड़ करके की जा सकती है, जैसे कि ब्लाउज़, फ्रॉक, शर्ट, रुमाल, हाथ पहुँचने की तौलिया, बच्चों के वस्त्र इत्यादि को। इस धुलाई कला में सबसे पहले वस्त्र को पानी में भिगो करके उस पर साबुन रगड़ते हैं और फिर शोधक पदार्थ अच्छे से जब उस पर लग जाता है तो उससे कि अच्छा झाग बना लिया जाता है और इस झाग के अंदर थोड़ी देर वस्त्र को छोड़ दिया जाता है, फिर दोनों हाथों से पकड़ करके उसको रगड़ा जाता है और फिर धोया जाता है। इस प्रकार से कई बार ये कार्य गर्म पानी में भी किया जा सकता है ताकि जो चिकनाई युक्त दाग होते हैं वह पानी में घुल करके साफ हो जाते हैं। अगला है कपड़े धोने के ब्रश से रगड़ करके धोना। बड़े मोटे और मजबूत कपड़े जो होते हैं उनको कपड़े धोने के ब्रश से रगड़ करके धोया जाता है। इस प्रकार से जो कपड़ा होता है वह गंदगी से मुक्त हो जाता है और चिकनाई वाले अगर दाग होते हैं तो उनको ब्रश से रगड़ना काफ़ी ज़रूरी होता है, जैसे कि शर्ट के कफ्स होते हैं, कॉलर्स होते हैं, ब्लाउज़ के होते हैं, या सूट की जो स्लीव्स होती है, सलवार की मोहरी, साड़ी के फॉल, पल्लू इत्यादि को इस प्रकार से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हाथ से रगड़ने से ये गंदगी नहीं निकलती है। इसलिए इस विधि से धुलाई करने के लिए गर्म या ठंडा पानी आराम से यूज़ किया जा सकता है। साबुन और शोधक पदार्थ, कपड़े धोने का ब्रश, टब, बाल्टी, मग, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए पहले जो कपड़े होते हैं उन्हें गर्म पानी के अंदर रख कर थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है, फिर पानी से निकाल करके इसके ऊपर जिन हिस्सों को हमें ज़्यादा गंदे हैं और जिसे ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ करना है पहले वहाँ साबुन लगा करके उसे ब्रश से रगड़ लिया जाता है और जब वो हट जाता है तो उसके पश्चात पूरे
कपड़े के ऊपर हल्का साबुन लगा करके उसे पानी के अंदर अच्छे से खंगाल करके धो लिया जाता है। बेडशीट, बेड कवर, पेटीकोट, रसोई के जो कपड़े होते हैं जैसे कि किचन नैपकिन्स, सलवार सूट है, टेबल क्लॉथ है, शर्ट पैंट, जो नहाने का तौलिया होता है, इन सभी को इसी विधि के द्वारा धोया जाता है। अगली है खुरदरी सतह पर घर्षण अर्थात स्क्रबिंग बोर्ड के ऊपर रगड़ करके कपड़ों को धोना। इस तरीके से जब रगड़ के कपड़ों को धोया जाता है तो उनके ऊपर जमा हुआ मैल और चिकनाई जो होती है वो भी गंदगी दूर हो जाती है। और उसके बाद में इन कपड़ों को साबुन लगा करके अच्छे से थोड़ा सा स्क्रबिंग बोर्ड पे घिसा जाता है और उससे कपड़े को अच्छे से साफ किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्क्रबिंग बोर्ड के ऊपर रगड़ना। जो पहला वाला मेथड था इसमें रफ़ बोर्ड होता है और जो ये है फोर्थ मेथड जिसमें स्क्रबिंग बोर्ड होता है, ठीक है। इसमें एक कपड़े धोने के लिए स्पेशल बोर्ड होता है जिसको स्क्रबिंग बोर्ड कहते हैं। लकड़ी, एल्यूमिनियम या धातु के कई सारे आते हैं लेकिन इन सब में लकड़ी का सबसे अच्छा रहता है स्क्रबिंग बोर्ड। इसको ये जो काम होता है स्क्रबिंग बोर्ड पर ये खड़े होकर के भी किया जा सकता है। इसके लिए स्क्रबिंग बोर्ड, टब, पानी, साबुन, मग की ज़रूरत होती है। तो वस्त्र को पानी में भिगो करके निचोड़ के निकाल लिया जाता है, फिर स्क्रबिंग बोर्ड के ऊपर फैला करके हर हिस्से में साबुन लगा लिया जाता है और फिर कपड़े को उस स्क्रबिंग बोर्ड के ऊपर घिसा जाता है और तब तक घिसते हैं जब तक कि पूरा कपड़ा साफ़ ना हो जाए। इसके पश्चात कपड़े को साफ पानी से खंगाल करके जो बची हुई गंदगी होती है उसे भी साफ़ कर लिया जाता है। अगली है मिश्रित विधि या मिक्स्ड फ्रिक्शन। मिश्रित घर्षण विधि में वस्त्र को हाथ से, ब्रश या स्क्रबिंग बोर्ड, इन सभी के साथ सभी की हेल्प से साफ़ किया जा सकता है। लेकिन ये जब किया जाता है ये मेथड जब कपड़ा बहुत मोटा, मजबूत हो और बहुत गंदा हो तब किया जाता है। गंदे वस्त्र को पहले पानी में फुला लिया जाता है, फिर साबुन लगा करके हल्के हाथों से रगड़ते हैं, फिर किसी खुरदरी जगह से या ब्रश से इसको रगड़ा जाता है। इस प्रकार से कपड़ों को साफ़ किया जाता है। अब है सक्शन मेथड के द्वारा कपड़ों को किस प्रकार से साफ़ किया जाता है। इस विधि से छोटे, बड़े या सभी प्रकार के जो वस्त्रों की धुलाई आसानी से की जा सकती है, ठीक है। इसमें जो बड़े और मोटे भारी वस्त्र होते हैं उनको भी आसानी से धोया जा सकता है। इस विधि के अंदर जो सक्शन प्रिंसिपल होता है उसका यूज़ किया जाता है। एक सक्शन वॉशर आता है जिसपे एक डंडी लगी रहती है और नीचे से कप या बोल के जैसा उसका शेप होता है और वह सिलिकॉन या रबर का बना हुआ होता है। अब जिन कपड़ों को धोना है उनको पहले गुनगुने पानी के अंदर साबुन या डिटर्जेंट के साथ भिगो दिया जाता है कपड़ों को। उसके बाद सक्शन वॉशर से उसके ऊपर जोर जोर से प्रेशर डाला जाता है जिसकी वजह से बार बार दबाने से जो कपड़ों का मैल होता है वह निकल जाता है और जो साबुन का घोल होता है उसमें मिल जाता है। इस प्रकार से जो कपड़े होते हैं वह साफ़ हो जाते हैं। अब जैसे जो सक्शन वॉशर होता है वो बार बार जब कपड़ों के ऊपर दबाव डालता है तो जो कपड़े उस बकेट के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और निर्वात बनने की वजह से जो साबुन का घोल होता है वह तो आ जाता है उपकरण में और कपड़ा रह जाता है नीचे। इस प्रकार से वे बार बार ऊपर नीचे होते रहते हैं जिससे कि कपड़ों की अच्छी प्रकार से धुलाई हो जाती है। इस मेथड के अंदर कपड़ों को अच्छे से पलटते रहना चाहिए ताकि सभी कपड़ों के सभी भाग की सफाई अच्छे से हो जाए। इसके पश्चात कपड़े को स्वच्छ जल में डुबो करके खंगाल लिया जाता है और साफ़ कर लिया जाता है। इस विधि से जैसे बेड कवर, पर्दे, बेडशीट, दरी, कंबल, इन सबको धोया जा सकता है। अगला है कपड़े धोने की मशीन के द्वारा। आजकल कपड़े धोने की मशीन का बहुत ही एक्सक्लूसिवली यूज़ किया जाता है क्योंकि जो मशीन होती है ये बिना मेहनत के सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके और हमारे कपड़ों को धो देती है। इसके लिए आपको अलग से टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। जो मशीन होती है वॉशिंग मशीन, ये कम गंदे से लेके अधिक गंदे जो कपड़े होते हैं सभी प्रकार के कपड़ों को आसानी से धो देती है। वैसे ये एक महंगा उपकरण होता है लेकिन ये श्रम और समय दोनों की ही बचत करता है। आजकल मार्केट में बहुत वैरायटीज़ की बहुत सारी मशीन्स अवेलेबल होती हैं। देखिए यह निम्न प्रकार की होती है, एक तो बेलनाकार सिलेंडर टाइप की, एक होती है वैक्यूम टाइप की और तीसरी होती है एजिटेटर टाइप की। तीन प्रकार की होती है। जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं इनमें मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक टब या कंटेनर भाग जिसमें पानी भरा हुआ रहता है और दूसरा पोरस या छिद्रयुक्त एजिटेटर भाग जो कि घूमता रहता है। अब जब हम इसके अंदर कपड़े डालते हैं, पानी डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं तो जब ये एजिटेटर घूमता है तो जिसकी वजह से इसमें झाग बन जाते हैं और कपड़े जो होते हैं वो घूमते रहते हैं जिससे कि इसमें जमी हुई मैल, चिकनाई, गंदगी, धूल मिट्टी बाहर निकल जाती है।
जो वॉशिंग मशीन्स होती है ये ऑटोमेटिक और इलेक्ट्रिक, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों प्रकार की होती है। आजकल मार्केट में बहुत सारी मशीन्स होती है जो गर्म अपने आप पानी गर्म भी कर लेती है, साफ़ भी कर लेती है। ऑटोमेटिक मशीन्स होती है वो रिंसिंग भी कर लेती, कपड़ों को सुखा भी देती है। लेकिन जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं उसमें सिर्फ कपड़ों को धोया जा सकता है, लेकिन कपड़ों को रिंस करने के लिए हमें बाहर निकालना पड़ता है। तो ये जो यूज़र होता है उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि उसे किस प्रकार की मशीन चाहिए। जो वॉशिंग मशीन को जब यूज़ करते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि वॉशिंग मशीन में पानी भरने के लिए सबसे पहले जो भी हम बर्तन होता है वो फाइबर ग्लास से बना हुआ होना चाहिए। इस टब में हल्का गर्म जल भर दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखता है रखा जाना चाहिए कि इसके अंदर जितना मार्किंग है उससे ज़्यादा पानी ना भरा जाए। वस्त्रों की जो संख्या है इसमें उपस्थित गंदगी की मात्रा के अनुसार ही इसमें डालने चाहिए, साथ ही साबुन या डिटर्जेंट भी उतना ही डालना चाहिए। अर्थात कपड़े कम है और बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि साबुन या शोधक पदार्थ डाल दिया जाए तो भी कपड़े साफ़ नहीं धुलेंगे, उनमें साबुन बना रह जाएगा। मशीनों को चला करके पहले झाग उसमें पैदा कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उसमें कपड़ों को डालना चाहिए। जो बहुत गंदे कपड़े होते हैं पहले उन पर थोड़ा सा साबुन लगा के रगड़ के साफ़ कर दें, फिर उसमें इसको डालना चाहिए ताकि कपड़ा इवनली धुलता है। जो रंगीन कोमल नाजुक वस्त्र होते हैं या श्वेत वस्त्र होते हैं इन सभी को अलग तथा भारी मोटे वस्त्रों को अलग से धोना चाहिए। जो रेशमी रेयॉन या नायलॉन के वस्त्र होते हैं इनके लिए हल्का गुनगुना पानी ठीक रहता है इनकी वॉशिंग के लिए। मशीन की क्षमता के अनुसार ही उसमें कपड़े डालना चाहिए, क्योंकि जो वॉशिंग मशीन आती है ये वेट के अकॉर्डिंग आती है, जैसे कि 7 kgs की, 9 kgs की, इस प्रकार से। तो बहुत ज़्यादा यदि उसके अंदर कपड़े डाल दिए जाएंगे तो वह कपड़ों की धुलाई नहीं कर पाएगी और जो उसकी मशीन होगी वो चलते चलते रुक जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वज़न हो जाता है। इसलिए यदि धुलाई के टाइम पे अगर हम कोई बड़ा कपड़ा डालते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ एक ही बड़ा वस्त्र डालें। जैसे कि बड़ी बेडशीट या बड़ा चादर डाला तो सिर्फ एक ही हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेट क्रिएट कर देते हैं। इसलिए कोमल सूक्ष्म नाजुक रेशों से निर्मित जो वस्त्र होते हैं उनको बहुत देर तक मशीन में नहीं रख के धोना चाहिए, क्योंकि इससे इसके रेशे खराब हो जाते हैं। जैसे कि बहुत छोटे छोटे हुक्स होते हैं, बटन्स, लेसेस होते हैं या तारे सितारे लगे होते हैं कपड़ों पे, तो उनको किसी भी तकिए के कवर के अंदर या किसी नेट के कवर में बांध करके फिर धोने के लिए डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई बार ये हुक या बटन होते हैं ये किसी वस्त्र में भी उलझ सकते हैं या फिर जो एजिटेटर टब होता है उसके छिद्रों में भी फंस सकते हैं। इसके अलावा जो बटन्स होते हैं या कुछ तारे सितारे होते हैं वो टूट करके इन छेद से हट करके मशीन के अंदर भी गिर सकते हैं, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र के जो बहुत गंदे भाग होते हैं जैसे कि शर्ट के कफ से, कॉलर्स हैं, इनको अलग से धो लेना चाहिए और फिर मशीन में डालना चाहिए। अगर मशीन ऑटोमेटिक नहीं है तो कपड़ों को धुलने के बाद में निकाल करके अलग से खंगाल करके साफ धोने चाहिए। जब धुलाई की कला समाप्त हो जाती है या प्रक्रिया समाप्त हो जाती है उसके बाद में मशीन को अच्छे से साफ़ करके पोंछ देना चाहिए और फिर उसके बाद ही उसे बंद करना चाहिए, बंद अर्थात उसका ढक्कन बंद करना चाहिए। गीले हाथों से मशीन को या मशीन के स्विच को नहीं छूना चाहिए। इस तरीके से ये तो थे कुछ विशेष बिंदु। अब हम कुछ सावधानियां रखेंगे कि मशीन को यूज़ करते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मशीन में अंकित चिन्ह से अधिक पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब मशीन घूमती है तो पानी उछल करके बाहर निकलता है, जिससे कि मशीन की मोटर खराब हो सकती है। मशीन के स्विच के ऊपर भी पानी नहीं गिरने देना चाहिए, क्योंकि इससे करंट लगने की संभावना रहती है। मशीन के अंदर बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं डालने चाहिए, क्योंकि यदि बहुत अधिक कपड़ा होगा तो मशीन खराब हो जाएगी। जो रंगीन या श्वेत वस्त्र होते हैं इन्हें अलग अलग धोना चाहिए, क्योंकि वस्त्रों का एक दूसरे पर कलर चढ़ सकता है। मशीन को बिना पानी के कभी भी नहीं चलाना चाहिए। धुलाई के बाद मशीन को अच्छे से साफ़ करना चाहिए और उसके बाद इसे ढक्कन बंद करके रखना चाहिए। मशीन में समय समय पर तेल डालते रहना चाहिए, ताकि जो इसकी जो मशीन का जो जीवन काल होता है वो लंबा रहे और बिना किसी झंझट के या बिना किसी अवरोध के हम मशीन को आराम से यूज़ कर सकें। मशीन को तेज़ धूप या बारिश से बचाना चाहिए। कभी भी वॉशिंग मशीन के नीचे पानी नहीं डालना चाहिए। मशीन के साथ जो मिले हुए जो निर्देश होते हैं उनका अच्छे से पालन करना चाहिए, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। ये तो थी कपड़ों को लॉन्ड्री करने के बारे में सावधानियाँ।
और मेथड्स। अब हम बात करेंगे कपड़ों की फिनिशिंग किस प्रकार से की जाती है, अर्थात जब कपड़ों की धुलाई कर ली जाती है उसके बाद कई बार हमारे जो कपड़े होते हैं वो मुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, सिलवटों से भरे रहते हैं, तो उन्हें ताज़ा, आकर्षक और सुंदर किस प्रकार से बनाया जाए उसके लिए फिनिशिंग के मैथड्स को यूज़ किया जाता है। इसमें निम्न मैथड्स आती हैं, जैसे सबसे पहला कपड़ों को आर्द्र करना या डैम्प करना। वस्त्र को का जो बाह्य स्वरूप होता है उसे सुधारने के लिए उसको चिकना या सीधा करना हो चाहिए, और इसके लिए कपड़ों को थोड़ा सा नम कर देना चाहिए जिससे कि वे मुलायम हो जाते हैं, उनकी प्लायबिलिटी बनी रहती है, और अब हम आसानी से कपड़ों को खींचतान करके या उनको इवन कर सकते हैं। जो रेशमी, ऊनी, रेयन या नायलॉन के जो कपड़े होते हैं उनको नम अवस्था में ही उठा लेना चाहिए। सूती या लिनन वस्त्र जो होते हैं उनको जो प्रेस करने के पहले थोड़ा सा नम करना ज़रूरी होता है, या पानी के छींटे डाल दिए जाते हैं जिससे कि जो कपड़ों के अंदर जो सल होते हैं वो अच्छे से निकल जाते हैं और उनके प्लीट्स और फोल्ड्स को अच्छे से प्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है आयरनिंग करना या इस्त्री करना। धुले हुए वस्त्रों की इस्त्री करने से उनमें चमक, ताजगी और आकर्षण हो जाता है, और जितनी सलवटें होती हैं वह भी निकल जाती है। अब जो कपड़ों को प्रेस किया जाता है उसके लिए एक आयरनिंग बोर्ड आता है स्पेशल, जिस पे कि एक पैडिंग लगी हुई होती है जिससे आराम से कपड़ों को, जिसके ऊपर रख करके आराम से कपड़ों को प्रेस किया जा सकता है। इस गद्देदार जो टेबल रहती है इसके ऊपर भी एक कपड़ा डाल करके या कॉटन का कपड़ा बिछा करके फिर उसके बाद उस पर प्रेस की जा सकती है। जो कपड़ों पर जब प्रेस करते हैं तो अच्छे से दबा करके प्रेस करनी ही चाहिए, और जो कपड़ों की जितनी भी सेल्वेजेस होती है उनको अच्छे से प्रेस करना चाहिए, आगे और पीछे दोनों तरफ से प्रेस करना चाहिए। जो प्रेसेस आती हैं या आजकल ऑटोमेटिक प्रेस भी आती है जो कपड़ों, और इस पे एक रेगुलेटर लगा रहता है टेम्परेचर को लेकर के कि किस प्रकार का कपड़ा है और आपको उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो बस हम उसका नाम पे उसको रेगुलेट कर देते हैं। उसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिक काम करती है, जैसे ही गर्म होती है अपने आप ये बंद हो जाती है और इससे के कपड़े जलने का डर नहीं रहता है। अगली है प्रेसिंग। प्रेसिंग शब्द का अर्थ होता है दबाव डालना या टू प्रेस। वस्त्र के जीवन में, वस्त्र को जीवन में बनाने, आकर्षक बनाने के लिए इस तरह की फिनिशिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब कपड़ों पे बहुत अधिक सल हो जाते हैं या बार बार गर्म इस्त्री रगड़ने से भी जो नहीं हटते हैं उनकी प्रेसिंग की जाती है। इसमें वस्त्र की सतह पर दबाव डालते हैं, इसमें वस्त्र को रगड़ा नहीं जाता, सिर्फ दबाव डाला जाता है जिससे कि वो एक समान हो जाते हैं। ऊनी, क्रेप, वेलवेट या बुने हुए वस्त्र होते हैं, जॉर्जेट के वस्त्र होते हैं, उन पर ये फिनिशिंग दी जाती है। अब है अगला भाप देना या स्टीमिंग का प्रोसेस। वस्त्रों में ताजगी, नवीनता एवं जीवंतता लाने के लिए उनको स्टीम देना बहुत ज़रूरी होता है, और इस प्रक्रिया के अंदर वस्त्र के ऊपर भाप दी जाती है। जो भाप की जो मेथड है या फिनिशिंग है आजकल इसका बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। जो भाप द्वारा रोएदार और पाइप वाले वस्त्र होते हैं, पाइल्स वाले, उन पर की सिकुड़न जो होती है उसको हटाई जाती है और उन्हें नवीन, आकर्षक और सुंदर बनाया जाता है। जो रोए वाले वस्त्र होते हैं उन पर अगर प्रेस करेंगे तो उनकी पाइल्स दब जाती हैं जिससे कि उनकी जो सुंदरता होती है वो नष्ट हो जाती है और दिखने में सुंदर नहीं लगते हैं। तो भाप देने की प्रोसेस से वो थोड़े हल्के से गीले हो जाते हैं, अब उन पर हल्की सी गर्म आयन करके और उन कपड़ों को सही किया जा सकता है। अगला है कैलेंडरिंग का प्रोसेस। कैलेंडरिंग प्रक्रिया के अंदर जो वस्त्र होते हैं उनकी फिनिशिंग घर में नहीं होती, ये व्यापक स्तर पर या किन्हीं भी फैक्ट्रीज़ में की, इंडस्ट्रीज़ में की जाती है। इस विधि में चादर, बेडशीट, पर्दे, इन सब पे कैलेंडरिंग की जाती है। इसमें धातु के दो बड़े बड़े रोलर्स होते हैं, उन रोलर्स के बीच में से, जो हॉट रोलर्स होते हैं इनके बीच में से कपड़े को निकाला जाता है। तो जब कपड़ा इनके बीच में से निकलता है तो भारी और गर्म होने की वजह से रोलर इन पे प्रेशर डालते हैं और इस दबाव से जो कपड़ा होता है उसकी सारी सलवटें दूर होकर के वस्त्र एकदम सीधा तथा चिकना हो जाता है, उस पर चमक आ जाती है और दिखने में सुंदर लगने लगता है। नेक्स्ट है मैंगलिंग मैथड। इस विधि के द्वारा भी भारी मोटे वस्त्रों को परिसज्जा दी जाती है। इस विधि में धुले हुए वस्त्रों को निचोड़ करके तुरंत ही मैंगल में से निकाला जाता है जिससे कि वस्त्र सीधा तथा चिकना हो जाता है। लेकिन यह भी एक घरेलू मेथड नहीं है, इसका उपयोग भी व्यापक स्तर पर ही किया जाता है। इस प्रकार इस फ्लो चार्ट से अब हम देख सकते हैं कि हमने जो लॉन्ड्री मेथड थी उसके बारे में पढ़ा कि वह कितने प्रकार की होती है, जैसे हल्के हाथ के द्वारा दबाव डाल करके, घर्षण के द्वारा जिसमें हाथ से घर्षण, और मजबूत वस्त्रों के लिए जैसे ब्रश से, स्क्रबिंग बोर्ड से, सक्शन मेथड से,
या जो मिक्स मेथड थी उसके द्वारा किस तरीके से कपड़ों को धोया जाता है, सक्शन मेथड से कैसे धोया जाता है, वॉशिंग मशीन से कैसे धोया जाता है, इसके बारे में डिस्कस किया। और साथ ही हमने जो कपड़ों की फिनिशिंग के बारे में भी डिस्कस किया कि डैम्पिंग, आयरनिंग, कैलेंडरिंग, प्रेसिंग, स्टीमिंग ये और मैंगलिंग, ये कपड़ों को नवीन बनाने के लिए या कपड़ों को अच्छा या परिष्कृत करने की मेथड्स होती है। इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।